हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम क्लैरिटी। तो इस वीडियो में हम विजन आईएएस के अक्टूबर मंथ के एनवायरनमेंट के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रीफ वीडियो क्योंकि बहुत बड़ा एनवायरनमेंट का सेक्शन इस बार नहीं आया है। तो जस्ट इन केस यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कॉमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल इफ यू हैवन डन दैट। Also, if you know anybody who's struggling with the Vision IAS monthly magazines, your friend or whatever, you can consider sharing about the TBM initiative with them. हर महीने की section wise videos आपको जो important videos हैं वो channel पर मिल जाएंगी। I would link the entire playlist in the I button। अगर आप October month के ही Polity and Governance, IR और Economy के section से struggle कर रहे हैं तो वो videos भी मैं I button में link कर दूंगी separately। प्लीज गिव देम अ वॉच। स्पेशली इकोनॉमी की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अक्टूबर की, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स आपने लिए होंगे, बहुत सारे लेक्चर्स इकोनॉमी के कहीं पे भी, लेकिन कहीं चीजें हैं जो आप बार बार भूल जाएंगे क्योंकि उसका लॉजिक क्या है, उस रिलेशनशिप का। तो बहुत सारे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स उसमें सिंप्लीफाई किए गए हैं, आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए। सो यू नो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बिफोर आई गो अहेड, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप अगर ये हाईलाइटेड पीडीएफ चाहते हैं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं आपके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे जो कीवर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं वो इस तरह से हाईलाइट किए गए हैं कि आप यू नो इट मेक्स योर जॉब ईजियर, बिकॉज इफ से यू हैव टू रीड द एंटायर पीडीएफ, दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, आप ये हाईलाइटेड वाला चीज सिर्फ नहीं पढ़ते तो आपको फॉर एग्जाम्पल सवा घंटा एक घंटा लग रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको आधा घंटा यू नो उससे बहुत कम समय लगेगा। तो यू नो ये रिविजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीडीएफ। सेक्शन वाइज पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो बहुत सारे चैनल रिलेटेड अपडेट्स, जैसे ये पर्टिकुलर वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है और इसके बारे में मैंने आपको आई थिंक 7-8 दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। तो चैनल रिलेटेड अपडेट्स, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक सजेशन है सो यू कैन लीव अ कॉमेंट देयर। आई वुड डेफिनेटली, आई वॉज जस्ट बिजी विथ समथिंग लेटली, लेकिन अभी आई वुड डेफिनेटली गो इन टू योर सजेशंस। प्लीज लीव योर सजेशंस देयर एंड यू नो इफ यू वॉन्ट टू डायरेक्टली रीच आउट ऑल्सो तो वहाँ का आप डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक हियर व्हिच इज ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस। तो देखिए ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप PYQs देखेंगे मेंस के तो आप एक चीज रियलाइज करेंगे कि UPSC एब्सोल्युटली लव्स टू आस्क सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जो बहुत ज्यादा नए हैं, जो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं। जैसे आपने 2019 के पेपर में देखा होगा कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर उन्होंने पहले कॉन्सेप्ट पूछा, फिर ऑफकोर्स उससे रिलेटेड आगे एक और क्वेश्चन था, है ना। वैसे ही अगर आप प्रीलिम्स के PYQs उठाएंगे तो ये तो आप जानते ही, आई थिंक अगर आपने अभी तक PYQs नहीं देखे हैं तो इट्स हाई टाइम कि आप PYQs को देखना शुरू कीजिए। बहुत ही कम समय बचा है कि आप यू नो कम से कम एक दो बार तो देखिए PYQs को, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे इकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो न्यूज़ में होते हैं, इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो न्यूज़ में होते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में। तो वैसे ही मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ बताना चाहूँगी, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस पे प्रीलिम्स मेंस में फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, टू द पॉइंट्स लिखे, ये पूरा बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे चैलेंजेस क्या है यू नो नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस के, और कैसे आप स्टेप्स ले सकते हैं वो भी लिखा है। सो इट्स अ गुड कंटेंट, ब्रीफ। ऑफकोर्स आप इसमें बहुत कुछ और ऐड कर सकते हैं, बट मेरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो लेट्स जस्ट सी यहाँ पे क्या लिखा है। तो कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने रिसेंटली रिलीज की है अपनी फर्स्ट बाइनियल रिपोर्ट ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उसका टाइटल है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस कैप्चरिंग द रेजिलियंस डिविडेंड। देखिए एनुअल रिपोर्ट का मतलब होता है जो हर साल रिलीज की जाती है, बाइनियल रिपोर्ट का मतलब होता है जो दो साल में एक बार रिलीज की जाती है। ओके, सो सम बेसिक क्लैरिटी हियर। उसके बाद यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस होता क्या है, लेकिन उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है,
तो देखिए ये बिल्कुल मेंस के पर्सपेक्टिव से क्यूरेट किया गया है कंटेंट। तो आप मेंस में अगर आपको एक क्वेश्चन मिला है तो बिल्कुल उसकी रूट्स पे जाइए पहले। तो आपके लिए भी सिंपल है, कभी ना आप मेंस की आंसर राइटिंग करके देखिए, आपको भी लगेगा कि हमको कॉम्प्लेक्स चीजें तो आती नहीं, तो हम पहले डेफिनेशन ही लिख देते हैं हर चीज की, तो ऐसे में ही आधा पेज तो यही चला जाता है। तो ऑफकोर्स इट ऑल्सो मेक्स योर जॉब इजियर, सो डू दैट। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम देखें, यूनाइटेड नेशंस डिफाइन करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ फिजिकल स्ट्रक्चर्स, फैसिलिटीज, नेटवर्क्स एंड अदर एसेट्स विच प्रोवाइड सर्विसेज दैट आर एसेंशियल टू द सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी और अ सोसाइटी। ऑफकोर्स आप इसको अपनी भाषा में बना बना के कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स कोशिश कीजिए कि इसके आसपास की डेफिनेशन लिखिए, क्योंकि आप फिर यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस भी लिख पाएंगे कि यूनाइटेड नेशंस ऐसे डिफाइन करता है, तो इससे आपकी डेफिनेशन को लेजिटिमेसी मिलेगी। ओके, सो डू दैट। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने इस दो वर्ड्स हैं इस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन देख ली, अब रेजिलियंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रेजिलियंस क्या है? अगर मैं बोलूं कि आप बहुत रेजिलियंट हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप बेसिकली यू नो वेरी वेल कि आप खुद को किसी भी कैटास्ट्रोफी में भी कैसे वहीं खड़े रह सकते हैं। यू नो हाउ कैन यू रेजिस्ट, हाउ कैन यू अडैप्ट। ओके, सो ये बेसिकली रेजिलियंस होती है। सो इट्स द एबिलिटी टू प्रिवेंट, रेजिस्ट, ऑब्जॉर्ब, adapt, respond and recover positively, efficiently and effectively when faced with a wide range of risks while maintaining an acceptable level of functioning. Of course, इसका मतलब यह है कि कुछ भी हो जाए आप वहीं खड़े हैं और आपका जो पहले function था वो आप अभी भी कर रहे हैं, no matter what happens. Okay, you were, for example, a system was providing water to the entire colony earlier, but something happens and then also in that situation also that water system is providing water. So that system is resilient, right? तो यही यहाँ पे लिखा है। अब इनफैक्ट एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इसको बहुत ब्रीफली लिखिए। उसके बाद आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस में भी ना इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया वाटर सिस्टम वाला है ना, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब खड़ा रहे वहीं पे, यू नो अब्सॉर्ब कर ले उस शॉक को, फिर रिस्पॉन्ड भी पॉजिटिवली करे और फिर उस शॉक से रिकवर भी कर जाए। ये तो हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही रेजिलियंट है। फिर उसके बाद होता है कि रेजिलियंस के लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे आप, ठीक है? सो दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस। ओके, तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक पहले वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां खड़े रहने के लिए बेसिकली जरूरी है, उसको सपोर्ट करता है। सो ये इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो जरूरी है। तो ये अगर आपसे सवाल पूछा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस पे मेंस में, तो अगर आप ये सारे डायमेंशंस कवर कर देते हैं तो इट वुड बी अ वेरी गुड स्टार्ट, एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्टार्ट। ओके, इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा क्योंकि ये तो बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। Okay, so let's just move ahead. Global infrastructure risks and the need for infrastructure resilience. अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि संसार में इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह के रिस्क हैं और हमें क्या ही जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस की। अच्छा खासा दुनिया सब चल रहा है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता तो क्या हो गया। ओके, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? ऑब्सोलेसेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आउटडेटेड हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। ओके, तो स्पेशली उन कंट्री, देखिए हम तो नए नए डेवलप हुए हैं, ठीक है, बड़ी सारी और कंट्रीज, हम सब कुछ नया बना रहे हैं, हमारे तो बड़े सारे ब्रिजेस भी बहुत नए हैं, मेट्रो नई है, सब कुछ नया है, ठीक है। तो लेकिन वो एडवांस्ड नेशंस, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, जो वर्ल्ड वॉर टू से पहले के इंडस्ट्रियलाइज हुए, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिस्टम है वो ऑब्सोलीट हो चुका है। तो इसीलिए जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस की। ओके, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस, जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा रिस्क है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स नहीं है, इफेक्टिव रेगुलेशन नहीं है, और अगर कुछ है भी, कुछ स्कैटर्ड मैनर में रेगुलेशंस है भी, तो वो कंप्लाई नहीं करता उससे कोई, है ना, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना ही एक मेंटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना ही एक फिजिकल इन्वेस्टमेंट हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस में। सो वीक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस, देखिए मेरी तरफ से अगेन एक पीस ऑफ एडवाइस, वो ये है कि अगर आपको कुछ भी समझना है ना, कुछ भी नहीं, तो आप लिख दीजिए कि अब आपसे कोई सवाल पूछे कि क्या दिक्कत है इसमें, है ना, तो आप लिख दीजिए गवर्नेंस ही नहीं है, इनएडिक्वेट गवर्नेंस है, वीक गवर्नेंस है, ये तो आप
किसी भी तरह के यू नो टॉपिक में लिख के आ सकते हैं। ऐसे ही एक दो चीजें पॉइंट ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि वो आपको दो पॉइंट तो लिख ही आओगे ना, कुछ तो बनाओगे, तो यू विल गेट समथिंग। ओके, सो दिस इज वन ऑफ दोज पॉइंट्स। सिस्टमिक रिस्क, ऑफ कोर्स, देखिए अभी क्या है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना कुछ बहुत ही सिस्टमिक रिस्क हैं, वो है क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, है ना, और साथ ही में जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए, वो मैंडेट करते हैं कि एक रैपिड ट्रांजिशन होनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक रैपिड ट्रांजिशन होनी चाहिए फ्रॉम कार्बन लॉक्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू लो, जीरो और नेगेटिव एमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स ये कहते हैं कि जो कार्बन लॉक्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अब आप रिप्लेस करके ले आइए जीरो एमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर या नेगेटिव एमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसके लिए आपको प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से और आपके मेंस के भी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में, द हिंदू वगैरह में भी ये टर्म्स बहुत आई हैं, कार्बन लॉक्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। देखिए अभी मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे ये समझ आ रहा है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कार्बन लॉक हो गया है, ठीक है, तो द कार्बन इज देयर, ठीक है। अब इससे हम थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट करते हैं। तो इस तरह के कोई फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर या एसेट जो हम यूज करे जा रहे हैं, जबकि हमें पता है कि इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी लो एमिशन ऑल्टरनेटिव्स के साथ, ऐसा नहीं है कि इसके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन हम पता नहीं क्यों ही यूज करे जा रहे हैं, और हमारे इस बिहेवियर की वजह से हम जो हमारा टारगेट है ट्रांजिशन वाला उसको डीले कर रहे हैं या प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक कंट्री के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अगर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते तो आप समझ लीजिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रेजेंस के वजह से भी यू आर कमिटिंग योरसेल्फ टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब अगर एक फॉर एग्जांपल एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्लांट है ऐसा, है ना, जो अब समझ उसके जब तक वो प्लांट वहां पे है स्थापित अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए, वो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, तो फॉर डेकेड्स, फॉर मेनी इयर्स, है ना, तो आप बेसिकली इतना ग्रीन हाउस गैस एमिशन आप कमिट कर रहे हैं। आप कह लीजिए हम ये यू नो पॉलिसी ले आए हैं, ये एक्शन प्लान ये हमने साइन कर दिया, हम रिन्यूएबल एनर्जी ले आए हैं, बट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है द कार्बन हैज बीन लॉक्ड इन इनटू इट, यू नो देयर आर सब्स्टिट्यूट्स टू इट बट यू नॉट डूइंग एनीथिंग, ओके। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स जस्ट सी और यहाँ क्या लिखा है। सिस्टमिक रिस्क हमने देख लिया, और क्या जरूरत है कि हम यू नो क्लाइमेट कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस लेके आए, डेवलपमेंटल बेनिफिट्स, जी हाँ बिल्कुल। जब आप एक सिंपल सी बात है, अगर आप रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ओके, जो सच में शॉक अब्जॉर्ब कर लेता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो आप खुद सोचिए आप डेवलप नहीं करेंगे क्या, ऑटोमेटिकली आप डेवलप करेंगे, ओके, क्योंकि आपको बार बार इतने हजारों करोड़ रुपए, एक आती डिस्ट्रक्शन आई, खत्म जी, फिर बनाओ, सो यू आर नॉट डूइंग दैट राइट। यू डोंट हैव टू एलोकेट सो मेनी रिसोर्सेज अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन फॉर सच प्रोसेसेस, यू विल डेवलप फॉर श्योर। तो पहले ही क्यों नहीं अच्छी आप डेवलपमेंट कर लेते, पहले ही क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट बनाने, राइट। सो डेवलपमेंटल बेनिफिट्स ऑल्सो, then we have disproportionate impact, this you can read on your own because there's nothing to be explained here. Infrastructure finance, okay, let me just see yahan kya likha hai. Recent estimates of the annual investment required to address infrastructure deficits, achieve the SDGs and achieve net zero by 2050 amount to, okay, to dekhiye यहाँ पे ये जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस वाली ये रिपोर्ट आई है, इसका ये एक हाईलाइट है, एंड दिस इज सो बैड के यू नो विजन आईएएस ने इसकी बाकी हाईलाइट्स को यहाँ पे नहीं दिखाया है। आई विल टेल यू सम ऑफ देम अभी, क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, ओके, तो उसमें से ये एक हाईलाइट है कि जो हमें एनुअल इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स को एड्रेस करने के लिए, एसडीजीज को अचीव करने के लिए, नेट जीरो को अचीव करने के लिए बाय 2050, इट इज अराउंड $9.2 trillion, ओके। तो हमें बेसिकली ये करना है, और ये एक रिस्क है, क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा था, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क, है ना, दिस इज वन ऑफ देम। इन द कमिंग ईयर्स इट इज एक्सपेक्टेड दैट जस्ट 4 countries, जिसमें से चाइना, इंडिया,
जापान, यूएसए विल अकाउंट फॉर 50% ऑफ द टोटल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, तो इसमें हम भी हैं। ओके, तो हम कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक अच्छे पाथ पे हैं। अब इससे पहले कि हम नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस पे बढ़े, ओके, तो आपको कुछ यहाँ पे ऑफ कोर्स हाईलाइट्स और कुछ थोड़ा सा इस न्यूज के बारे में भी पता होना चाहिए जो विजन आईएएस ने मिस कर दिया है। तो देखिए, आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे वर्ल्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के लिए, राइट, हमारी बिल्डिंग्स के लिए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, जो वो ये बताती है कि हमारे यू नो ग्लोबल एवरेज एनुअल लॉस कितना है इन सेक्टर्स में ड्यू टू क्लाइमेट इम्पैक्ट एंड डिजास्टर्स। ओके, तो ये चीज हमें बेसिकली पता चलती है कि एवरेज एनुअल लॉस कितना है हमारे लिए। तो अगर हम ये एवरेज एनुअल लॉस को यू नो मिटिगेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, हम इन्वेस्ट करें रेजिलियंस के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली इस रिपोर्ट का एम है। रिपोर्ट ये रिलीज करती है, मैंने बोला कि एवरेज एनुअल लॉस ये बताती है, तो इस पर ऑफकोर्स कुछ डेटा आया होगा। तो रिपोर्ट का ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज बेसिकली एक ग्लोबल एवरेज एनुअल लॉस लेके आ सकता है विच कुड रेंज फ्रॉम डॉलर 732 टू डॉलर 845 बिलियन एनुअली। तो आप देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल आप इतना लॉस देख सकते हैं, तो आप खुद सोचिए। ओके, और अगर हम देखें जो केवल प्रिंसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं, जो बहुत कॉमन यू नो जैसे कौन कौन से होंगे, फॉर एग्जांपल हम रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो पावर सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, इन सेक्टर्स में से ही अगर हम देखें तो इनको कितना लॉस झेलना पड़ेगा डिजास्टर्स की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। इट इज अराउंड डॉलर 301 टू डॉलर 330 बिलियन। तो क्यों नहीं इनको हम रेजिलिएंट बना रहे, व्हाई नॉट। ओके, तो ये चीज हमें यहाँ पे इस रिपोर्ट से पता चलती है। दिस इज समथिंग यू मस्ट ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड। आपको ये भी पता होना चाहिए, रिपोर्ट एक और चीज बोलती है जो ये पॉइंट है बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट, क्योंकि एक्चुअली जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये रिपोर्ट बताती है। यू नो इन पे स्पेसिफिक डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट पड़ेगा, और इनके पास तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। ओके, सो इट गेट्स इवन हार्शर फॉर देम। सो ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा एक लाउडली यू नो हाईलाइट की गई है। फिर उसके बाद हम आते हैं नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस पे। अभी देखिए, यहाँ पे भी अगर मैं आपको बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या डेफिनेशन है, क्या होता है, फिर भी अगर मैं कोशिश करूं तो मैं मेंस में इसकी डेफिनेशन लिख के आ सकती हूँ और कुछ तो बना के आ ही सकती हूँ। कैसे, क्योंकि मुझे इतना तो पता चल रहा है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन जो नेचर बेस्ड हो, है ना, और मेरे को पता नहीं कैसे बस दिमाग में बिना कुछ सोचे आ रहा है एक एग्जांपल भी, और वो है मैनग्रोव्स का, राइट। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है वेटलैंड्स, राइट, कैसे बहुत सारे डिजास्टर्स को ही प्रिवेंट कर देते हैं, तो व्हाई नॉट। ये बिल्कुल आपको सिर्फ टर्म्स देख के ही पता चल जाएगा आधे से ज्यादा चीजें तो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या डेफिनेशन लिखी हुई है नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस की, ऐसी प्रैक्टिसेस दैट कॉन्करेंटली प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, अडैप्ट टू क्लाइमेट चेंज, प्रमोट एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोवाइड सोशल वेलबींग। तो ऑफकोर्स ये साथ साथ क्या करता है, ठीक है, कॉन्करेंटली क्या क्या करता है, जो ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास जो भी, ठीक है, कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी एक ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको प्रोटेक्ट करता है। ऑफकोर्स उसको प्रोटेक्ट करेगा कि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वो डैमेज ना हो जाए। मैनग्रोव्स नहीं करेंगे ऐसा, वेटलैंड्स नहीं करेंगे ऐसा, तो एक बैरियर की तरह काम करते हैं ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते हैं, सो दे प्रोटेक्ट। तो ये चीज तो ऑफकोर्स हमें पता चल गई, समझ भी आ गई। दे प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, जैसे वो जो रूफ ब्रिजेस होते हैं, राइट, तो वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड भी
भी कर रहे हैं. ओके, दे अडैप्ट टू क्लाइमेट चेंज ऑल्सो, ये तो हमें दोनों से ही पता चल रहा है. दे प्रमोट इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी ऑल्सो, बायोडाइवर्सिटी ऑफकोर्स. वेटलैंड से कितनी सारी जो आप ये बायो बर्ड्स देखते हैं, आप जानते हैं कि जो माइग्रेट करके साइबेरियन क्रेन्स वगैरह आती है, कहाँ आती है? वेटलैंड्स में आती है. सो ऑफकोर्स एंड दे प्रोवाइड फॉर सोशल वेलबींग ऑल्सो. सो द एंटायर डेफिनेशन हमें, मतलब ये एग्जाम्पल्स की जो समझ आ गई, ओके, ये बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस की. ओके, फंक्शनल कैटेगरीज ऑफ नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस. तो आप ऑफकोर्स ये यू नो पॉइंट्स लिख सकते हैं, डिलीवर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज डायरेक्टली. जी हाँ बिल्कुल. कैसे यू नो आपके, जैसे मैंने आपको बताया ना, इट प्रोवाइड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो. तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज डायरेक्टली भी डिलीवर करते हैं ये. कैसे आपकी जरूरत ही कम हो जाएगी इंजीनियर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की, फॉर एग्जाम्पल वेटलैंड्स, राइट? तो ये चीज हमें पता चलती है. फिर उसके बाद इनहेंस इंजीनियर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शन ऑफकोर्स. जो ऑलरेडी हमारे पास यू नो इंजीनियर्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स हैं, उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है, उसको मेंटेनेंस की कम जरूरत पड़ेगी. तो यू डूइंग कॉन्करेंटली, यू डूइंग थिंग्स कॉन्करेंटली हियर. फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने यू नो आपने अगर वेजिटेशन उगाई हुई है, आप बहुत सारे ट्रीज हैं वहाँ पे, ऑफकोर्स इट वुड होल्ड द सॉइल बेटर. सो बहुत सारे केसेस में सेडिमेंटेशन रिड्यूस हो जाएगी, फिर आपको ड्रेजिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी चीजें, राइट? तो यहाँ पे दिस इज अ थिंग, प्रोटेक्ट इंजीनियर्ड एसेट्स. वही कहीं ना कहीं एग्जैजरेट किया हुआ है एक सिंगल पॉइंट को, लेकिन ऑफकोर्स एग्जाम्पल डिफरेंट हो जाता है तो पॉइंट भी डिफरेंट हो जाता है. प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, राइट? एग्रोफॉरेस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, कैसे यू नो लैंडस्लाइड्स को भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है. बेनिफिट द वर्क फोर्स एंड देन डिलीवर मल्टीपल एडिशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स. जैसे ऑफकोर्स देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो हमारे खुद के टारगेट्स हैं, SDGs, हमारे पेरिस अग्रीमेंट, बाकी जितने भी टारगेट्स हैं वो पूरे होंगे. इंटरनेशनल हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको हम अलाइन कर पाएंगे. फिर साथ ही में जो विमेन इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, इट्स नॉट ऑफकोर्स मैंशनड हियर, मिष्टी इनिशिएटिव है मैनग्रोव यू नो ग्रो करने का, उसमें स्पेसिफिकली सरकार का ये कहना है कि हम जो लोकल विमेन है कम्युनिटी की, ठीक है, उनको हम इनकलकेट करेंगे इस ड्राइव में कि वो मैनग्रोव्स ग्रो करें. सो ऑफकोर्स आप जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पे नेचर के साथ काम करने वाले कौन है, वो विमेन है. एग्रोफॉरेस्ट्री में कौन है सबसे ज्यादा, विमेन है. सो ऑफकोर्स उनकी डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी, उनके हम इनपुट्स लेंगे कि अच्छा जी आप बता दीजिए. ऑफकोर्स क्योंकि आपको पता है, हम तो यहाँ टीम उठा के गए वहां पे, हमारे पास एक्सपर्टीज है, पर उनके पास लोकल नॉलेज है, और कभी कभी एक्सपर्टीज से ज्यादा बड़ी लोकल नॉलेज होती है, राइट? तो हम वी वुड ऑफकोर्स टेक देयर इनपुट, ओके, हाउ शुड वी गो अबाउट दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, यू टेल अस. सो यू नो विमेन इन्वॉल्वमेंट. देखिए इसका फायदा है लो कॉस्ट. कैसे, यू नो इन तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस का सिर्फ आधा प्राइस लगेगा. एक नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन से सिर्फ आधे प्राइस पे आपको नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस ऑफ कोर्स, सोशल इकोनॉमिक आउटकम जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ ऊपर, यू नो SDGs अचीव करने वाले, वुमेन इन्वॉल्वमेंट वाले, और कैसे यू नो इट हैज़ अ पोटेंशियल टू यू नो क्रिएट एस्टिमेटेड 59 मिलियन जॉब्स बाय 2030. लेकिन चैलेंजेस क्या हैं, कैसे इंटीग्रेट करें हम इन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस को अपने कन्वेंशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो उसमें यू नो चैलेंज क्या है, नॉलेज रिक्वायरमेंट. ऑफकोर्स ये यहाँ पे बड़ी सारी इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज चाहिए हमको, स्किल सेट चाहिए. ऐसा तो कोई कोर्स भी नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिकली आप यू नो इलेक्टिव्स भी नहीं दे रहे आप तो कॉलेजेस में ऐसे, ठीक है? सो यू नो यू प्लीज ट्रेन पीपल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो नॉलेज रिक्वायरमेंट, लैक ऑफ रिसर्च ऑफकोर्स दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज. हर चीज में लैक ऑफ रिसर्च, तो आप आंख बंद करके लिख के आइए. लैक ऑफ रिस्क असेसमेंट, जी हाँ बिल्कुल. देखिए कहीं ना बड़ी स्ट्रेटेजिक एरियाज होते हैं, राइट? तो वहां पे आप शायद नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस ना पाए, वहां पे आपको ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की ही जरूरत पड़े. सो जस्ट यू नो ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट गोज, व्हाट डजंट गो, व्हाट काइंड ऑफ डिविडेंड्स आर वी गेटिंग, है ना? सो यू प्लीज इंटीग्रेट वेरी वेरी वाइसली. पॉलिटिकली अनअट्रैक्टिव, जी हाँ बिल्कुल.
देखिए यहाँ पे आपको प्राइवेटाइज प्रॉफिट्स कैसे मिलेंगे, तो वो ऑफ कोर्स प्रॉफिट वाला कम हो जाता है, जेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा है, ये एक स्लो सोल्यूशन है, नेचर को ग्रो होने में ही बड़ा समय लग जाता है, राइट। अगर आप एक ब्रिज भी बना रहे हैं उसको सालों लग जाते हैं, जैसे आप मेघालय वाले जो ब्रिजेज अगर बनाएंगे तो उनको सालों लगते हैं, बड़ी सारी और चीज़ें, सो इट्स अ स्लो सोल्यूशन, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ दिक्कत है और इमीडिएट यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो क्विक एक्शन कैसे दोगे आप, तो इसीलिए भी तो पॉलिटिकली अनअट्रैक्टिव हो गया। तो जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है। इंटीग्रेटिंग NBIS, तो क्या करें, रिसर्च करें, ओके। सबसे बड़ी बात है आप मल्टीलिंगुअल यू नो जो मटेरियल है उसे अवेलेबल करवाएं पब्लिक के लिए, लाइब्रेरीज में, बाकी यू नो केस स्टडीज हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। इफ़ यू डोंट मेक सच रिसर्च अवेलेबल, ऑफ कोर्स देयर वुड बी नो टॉक, और स्पेशली यू नो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वहाँ पर तो नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउटकम लिंक्ड NBIS, जी हाँ बिल्कुल, अगर आप यू नो नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन को डायरेक्टली लिंक कर देंगे कि जी हाँ अच्छा इस वाले यू नो नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन से हमारा ये वाला SDG अचीव हो रहा है, सो ऑफकोर्स यू नो आपके क्या बन जाएंगे, बिल्कुल कॉमन गोल्स हो जाएंगे। सो यू नो इट्स अ गुड थिंग यू मेक इट आउटकम लिंक्ड। हर चीज़ को देखिए, जब तक आप इस तरह से टैली वे में नहीं देखेंगे कि अच्छा इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कितना है, वॉट आर वी गेटिंग आउट ऑफ इट, तो एक हद तक ये चीज़ स्केल अप नहीं की जा सकती। रेगुलेशन, इफेक्टिव लेजिस्लेशन लेके आइए ताकि आप इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकें, एनहांस कर सकें, ओके। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेटिंग सिस्टम्स, जो रेटिंग टूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यू नो बता रही हूँ कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको मैंने 5 स्टार किया हुआ है रेट, ठीक है, तो इसका ये एक मार्केट सिग्नल की तरह काम करेगा कि अच्छा ये इतना रेजिलिएंट है, ये इतना सस्टेनेबल है, ये ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल नहीं है रिलीज करता, सो दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम, रेटिंग सिस्टम्स, ओके। फॉर एग्जांपल जो गृह ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आई थिंक इस पे भी प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आया, PYQs आप चेक कर सकते हैं, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, जी हाँ बिल्कुल, जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो प्रिस्क्राइब कर सकती हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस के लिए, ताकि जो कंट्रीज़ हैं उसके लिए यू नो बाकी कंट्रीज़ के लिए वो एक मॉडल की तरह एक्ट करें और वो अपने हिसाब से लोकल उसको एडजस्ट करके अपनाएं। फाइनेंसिंग इनिशिएटिव्स, ऑफकोर्स फाइनेंसिंग इंसेंटिव्स, इंटीग्रेटिंग NBIS इंटू एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस इफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सिस्टम्स कैन बी अ वे टू अचीव स्केल, जी हाँ बिल्कुल, यही करना भी चाहिए, there's no other way। glacier lake outburst flood, तो देखिए of course आप यहाँ पे news बहुत अच्छे से जानते हैं, it was a very very sad news for all of us। यहाँ पे you know that very well कि क्या हुआ था, सिक्किम में हमें देखने के लिए मिला था glacier lake outburst flood, क्यों, क्योंकि जो southern bank था साउथ लोनाक लेक का वो बर्स्ट हो गया था। आई होप देखिए यहाँ पर भी अगर आपको कुछ नहीं पता, यू ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड द फैक्ट के ग्लेशियर लेक का आउटबर्स्ट हो रहा है जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स हो जाती है, तो ये बेसिकली इस टर्म से हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आई थिंक इससे पहले कि हम देखें कि क्यों हुई थी सिक्किम की, मे बी देखिए ऐसा हो सकता है आपके मेंस में आपसे ना 2 केसेस पूछ लिए जाए, तो मेरी सजेशन आपको ये है, यूजुअली अगर आप कोई भी मटेरियल पढ़ेंगे ज्योग्राफी का तो आपको उसमें बेसिकली ना आपको मिल जाएगा किसी अच्छे मटेरियल में, वरना आगे कभी आया तो आई वुड एक्सप्लेन कि एक्चुअल में केदारनाथ में क्या हुआ था, केदारनाथ के क्या रीज़न थे, क्योंकि आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि राइट अबाउट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स एंड विद 2 केस स्टडीज इंडिया की, या फिर 2 एग्जाम्पल्स ऐसे बोल देते हैं आप, देखिए मेंस के PYQs कभी 5 एग्जाम्पल कभी 2 एग्जाम्पल ऐसे लिखा होगा, तो आप केदारनाथ वाला जो 2013 का है और ऑफकोर्स रीसेंट सिक्किम वाला, ये आपको पूरा ये 3-4 पॉइंट पता होने चाहिए कि इस केस में क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था। हम सिक्किम वाला आज देख लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद केदारनाथ वाला अगर कभी और ये इस पर एक अच्छा मटेरियल आता है, या फिर आगे हम कुछ और कंटिन्यू करते हैं इन्वायरमेंट पे, कोई और वीडियोज आती हैं, देन आई विल यू नो एक्सप्लेन, ओके। या आप खुद सर्च कर लीजिए, ऑफकोर्स इट्स अ शॉर्ट थिंग सिक्किम, ओके। बिफोर दैट एक ग्लेशियर लेक होती क्या है, तो उसका यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिलेगा कि ग्लेशियर लेक कुछ नहीं है, दे आर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर
वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी, दैट सिट इन फ्रंट ऑफ, ऑन टॉप ऑफ और बीनीथ अ मेल्टिंग ग्लेशियर. ओके, लेट मी जस्ट रीड इट फुल, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, तो देखिए क्या है ग्लेशियर लेक्स, क्या है ग्लेशियर लेक्स, कुछ नहीं है, लेक है, कुछ भी नहीं है. एक ग्लेशियर जो है, एक मेल्टिंग ग्लेशियर जो है, या तो वो उसके सामने है बिल्कुल, आगे बिल्कुल, है ना, या तो उसके ऊपर है ना, और या तो उसके नीचे है. ठीक है, तो ऐसी लेक्स को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर लेक्स कहते हैं. दे आइदर यू नो सिट इन फ्रंट ऑफ, ऑन टॉप ऑफ और बीनीथ अ मेल्टिंग ग्लेशियर. अब जैसे जैसे यू नो इसका साइज बढ़ता जाएगा एक ग्लेशियर लेक का, तो वो डेंजरस होते जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, यूजुअली क्या होता है रिवर्स, क्या कि डैम्स होती है, तो वो यहाँ पे भी डैम है लेकिन वो एक नेचुरल डैम है. उस यहाँ पे डैम की तरह एक्ट करता है एक अनस्टेबल आइस या फिर कोई भी डेबरीज, लूज डेबरीज, तो वो कोई डैम नहीं है, उसको तो बड़ी आसान है उसको लांगना. ठीक है, सो ये और डेंजरस होता है जैसे जैसे यू नो ग्लेशियर लेक का साइज बढ़ता जाएगा. ऑफकोर्स वो डैम तो टूटना बहुत आसान है, तो वो तो इट्स वेरी इजी. ओके, और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होते जा रही है, तो ग्लेशियर्स रिट्रीट होते जा रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है ना, तो और ज्यादा ग्लेशियर लेक्स में पानी बढ़ता जा रहा है. दे आर एक्सपैंडिंग मोर इन साइज एंड नंबर्स ऑल्सो. सो एज एक्सपैंड इन साइज द डैम कैन बी ब्रोकन वेरी इजिली एंड ऑफकोर्स ह्यूमैनिटी रिमेन्स एट रिस्क. ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे आप समझ गए. ठीक है, मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ ब्रीफली, और तो आपकी ज्योग्राफी की किताबों में सब कुछ आपको मिल जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी जस्ट शो इट टू यू, ये एक ग्लेशियर है ना. यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है, इन फ्रंट ऑफ, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, दिस इज अ ग्लेशियर. ओके, एंड इट इज ऑफकोर्स मेल्टिंग, राइट. तो हमने क्या देखा यहाँ पे, एक इसके आगे ये लेक है, this is a lake. okay, and then let me take another, and here we have a moraine, aur ye moraine basically ek dam ki tarah kaam kar raha hai. theek hai, to ab kya hoga na, ye glacier jo hai, ये ग्लेशियर जैसे जैसे रिट्रीट करेगा, मेल्ट होता रहेगा, तो वैसे वैसे ये ना पानी यहाँ पे आता जाएगा. ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पानी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एक्सपैंड करता जाएगा, या फिर फॉर एग्जांपल एक माउंटेन है स्नो वाला, और वहाँ से एवलेंच आया, और या फिर एक रॉक आया, आइस आई, बड़ा टुकड़ा आया और यहाँ पे आके ऐसे बिल्कुल गिरा तेजी से, है ना, या फिर ये कुछ भी ऐसा होता है, तो स्प्लैश करेगा और यहाँ से यू नो ये पानी यहाँ से आ जाएगा और बहुत ज़्यादा नीचे आके, देन ऑफकोर्स द डैम वुड बी ब्रोकन. डैम ब्रोक हो गया तो सारा पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा, फिर फ्लैश फ्लड्स हो जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. ये ग्लेशियर लेक का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है. ओके, हम देख लेते हैं सिक्किम में क्या हुआ था, ग्लेशियर मेल्टिंग. तो जो सिक्किम का साउथ लोनाक लेक है, ये इट इज सिचुएटेड इन हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियराइज्ड रीजन, इट एक्सपीरियंस एक्सेलरेटेड मेल्टिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. जी हाँ, बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज की वजह से फिर हो रहा था इस लेक का एक्सपेंशन. तो साउथ लोनाक लेक के बारे में आपको ऑफकोर्स लिखना पड़ेगा अपने आंसर में. इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ, और आप जानते भी होंगे अगर आपने न्यूज़ सुनी है, तो बहुत सारी स्टडीज़ ने, बहुत सारी टीम्स ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि साउथ लोनाक लेक में कभी भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सपैंड कर रही है. ओके, सो राइट अबाउट ग्लेशियर मेल्टिंग एज पॉइंट नंबर वन. देन वी हैव GLOF इवेंट, विच इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इवेंट. ओके, तो क्या हुआ ना, ये जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच गया. साउथ लोनाक लेक की बात अगर हम करें तो, ठीक है, जिसकी वजह से जो लेक है, इट हैड टू ब्रीच इट्स बाउंड्रीज. दिस इज वॉट हैपन्स, आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इट टू यू. ओके, तो ये जो फिर क्या हुआ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो गया. चलो ये तो हुआ, सो हुआ, ऑफकोर्स जो पानी बाहर आया इसकी वजह से, उसके बाद हो गई एक्सेसिव रेनफॉल भी उस दिन. ओके, और यही होता है, ये आई थिंक आप केदारनाथ वाले केस में भी जानते हैं. तो एक्सेसिव रेनफॉल होगी क्लाउड बर्स्ट की वजह से. देखिए, इसको हम ऐसे कह देते हैं कि बादल फट जाता है, ऐसा नहीं कि बादल सही में फट जाता है, बस बहुत बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है. ओके, तो एक्सेसिव रेनफॉल ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट प्लस GLOF इवेंट, है ना, तो उसकी वजह से हमें इतनी डेवस्टेशन देखनी पड़ी. ओके, तो ये चीज़ ऑफकोर्स यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए. बहुत सारी डेब्रीज, रॉक्स, lot of water, you know, actually ran downstream. Then the Chungthang Dam. तो ये आपको कुछ keywords तो लिखने ही पड़ेंगे. South Lonak Lake, cloudburst,
डियो लेफ्ट तो आप ऑफ कोर्स ये तो क्वेश्चन ही है, चुंगथांग डैम, ठीक है. सो द फ्लड वाटर्स रीच, तो ये जो फ्लड वाटर्स, अब फ्लड आ रही है, देन दे रीच तीस्ता थ्री हाइडर प्रोजेक्ट एट चुंगथांग बाय द लाचेन रिवर. ओके, तो लाचेन रिवर से बेसिकली ये पहुंचे चुंगथांग डैम पे, एंड वो वर्सेंड बाय द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डैम. तो और पानी यहाँ से आ गया, और फिर आप समझ सकते हैं कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स, गैंगटॉक और बाकी जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्पेशली 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे सिक्किम के जो बहुत डेवेस्टेट हो गए थे. ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. ये भी आप देख ही लीजिए, जो लाचेन रिवर है और लाचुंग रिवर है, दे मीट एट चुंगथांग टू फ्लो डाउन एज तीस्ता रिवर. तो ये भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए बात. ओके, लाचेन एंड लाचुंग, दे मीट एट चुंगथांग एंड देन दे फ्लो एज तीस्ता. ऑलराइट, लेट्स जस्ट सी. जी हाँ, अगर आप फिर ग्लेशियर लेक को जब आप डिफाइन कर देंगे तो आपको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को भी डिफाइन करना पड़ेगा. इट इज़ नथिंग बट अ सडन रिलीज ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन अ ग्लेशियर लेक. यानी कि ग्लेशियर लेक में जो बड़ा सारा पानी था वो अचानक से रिलीज हो जाता है, और जिसकी वजह से नो मैटर व्हाट द कॉजेज, हमने कॉजेज ऊपर देखे, केदारनाथ में कुछ स्पेसिफिक कॉजेज थे, सिक्किम में कुछ स्पेसिफिक कॉजेज थे, है ना. तो no matter what the cause is, but even the glacier, the glacier lake ka pani, when it comes out, sudden release of it is known as GLOF. Okay, agar hum GLOF vulnerability India mein dekhen, to jo ICIMOD report hai, wo ye kehti hai ki dekhe, global warming agar jaise 1.5 degree Celsius se 2 degree Celsius wala jo global warming hua by 2100, to glaciers are set to lose 30-50% of their volume compared with 2015. To ye jo pani lose ho raha wo jayega kahan, rivers mein jayega. To aap khud sochiye, wo apni boundaries breach karenge, aur aise jo events hain उनकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी सब बढ़ने के चांसेस हैं. चांसेस क्या हैं, ऑफकोर्स ये तो एक सेट डील है, अनलेस हम सच में बहुत सचेत ना हो जाए. अभी क्या है, एक वन ऑफ इवेंट होता है, हमें डर लगता है, हमें बहुत दुख होता है, हम एक दूसरे के लिए बुरा फील कर लेते हैं, एक स्पोरैडिक कोई टीम भी वहाँ पे पहुँच जाती है, एक्शन दिए जाते हैं, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड प्लान क्यों नहीं काम कर रहा. ऑफकोर्स दीज आर नेचुरल इवेंट्स, नोबडी इज डिनाइंग दैट, पर फिर भी वो हर जगह, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अस, ये एक ग्लोबल चीज़ है, ये एक इंसानी फितरत है, दैट यू नो यू डोंट वर्क ऑन समथिंग अनलेस वो डिजास्टर सच में ना हो जाए. तो एक प्रिवेंटिव जो नोशन है वो लेने की हमें ज़रूरत है. जैसे एक आपने बहुत बार न्यूज़ में भी सुना होगा, जैसे बहुत कोविड के समय, अभी बहुत रिसेंटली भी बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए दिल्ली में, तो एक अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस कितनी है दिल्ली में, ये इस पे सवाल क्यों नहीं कोई पूछता. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें. खैर, मोर देन 9 मिलियन पीपल इन हाई माउंटेन एशिया. जी हाँ बिल्कुल, ये तो आप जानते ही हैं, जैसे बड़े सारे माउंटेन रेंजेस हैं, त्यान शान, पामीर, नॉट हिंदू कुश, कराकोरम, ये सब हिमालयस, एंड दे आर वल्नरेबल टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, एंड दे ऑफकोर्स वहाँ पे 9 मिलियन लोग रहते हैं, अगर हम माउंटेन रीजन की बात करें तो ये सब वल्नरेबल हैं, ठीक है. तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है. India has witnessed at least 3 highly devastating. जी हाँ बिल्कुल, हमने कम से कम 3 तो बहुत रिसेंट ये devastating GLOF events हैं, केदारनाथ जो मैंने आपको बताया, चामोली 2021, एंड देन सिक्किम जो बहुत रिसेंटली हुआ. तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, इफेक्ट्स क्या हैं GLOFs के, बिल्कुल, क्योंकि तो हमें इसका पता ही नहीं है. ये डिजास्टर्स, देखिए ऐसे इवेंट्स जो हैं वो डिजास्टर स्पेसिफिकली इसलिए होते हैं क्योंकि कोई इनको एंटिसिपेट ही नहीं कर सकता कि कब होंगे, कैसे होंगे. ओके, और फिर जो इसका पीक डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इतना सडनली इतना सारा पानी. ओके, और बहुत ही वायलेंट मूवमेंट होती है. आप अगर देखेंगे ना, यू वुड एक्चुअली टर्न टू टीयर्स जो हुआ सिक्किम में. सो इट्स एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग. फिर उसके बाद कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, बेसिक सर्विसेज, एवरीथिंग गेट्स डिस्ट्रप्टेड, बी इट वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एवरीथिंग. डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम्स लाइक एग्री फूड सिस्टम्स एंड अदर डिजास्टर्स भी इससे हो जाते हैं, जैसे कि लैंड स्लाइड्स. अब देखिए फ्लैश फ्लड की बात करें, आई होप आप जानते हैं, बहुत बार पिछली वीडियोज में फ्लैश फ्लड देख चुके हैं. फ्लैश फ्लड्स क्या होती हैं, जो एक फ्लैश समझते हैं अचानक से जो फ्लैशेस आते हैं, वही शब्द है ये. तो इंग्लिश को तो वही लिखोगे ना, आप एक शब्द है इंग्लिश में, आपको उसका मतलब पता है तो वही मतलब होता है, चाहे वो कैसे भी पूछ लिया जाए आपसे. तो व्हेन फ्लड्स हैपन वेरी सडनली, मतलब
बहुत सडनली जब फ्लड होती है तो उसे हम फ्लैश फ्लड कहते हैं, और बहुत सारा पानी अचानक से हम यूजुअली जो डिजास्टर्स हैं वो एक स्लो फिनोमिनन होते हैं, है ना, बट ये वैसे भी सडन ही होते हैं, पर सडन से भी सडननेस तो वो फ्लैश फ्लड्स है। ठीक है, इंक्रीज फ्लो क्या मतलब कॉज होता है इंक्रीज फ्लो, जैसे स्ट्रीम्स में इंक्रीज फ्लो हो जाना, ट्रिब्यूटरीज में, तो ऑफकोर्स ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। और फिर हाई इंटेंसिटी रेनफॉल की वजह से भी इंक्रीज फ्लो हो सकता है किसी भी नहर में, रिवर में। ओके, क्लाउड बर्स्ट ऑफकोर्स कॉज है फ्लैश फ्लड का, ये तो आप लिखेंगे ही। रेन स्टॉर्म्स फिर होते हैं कुछ, देखिए ये लिख दीजिए, इंक्रीज फ्लो, क्लाउड बर्स्ट, रेन स्टॉर्म्स एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड इंटरवेंशंस। कैसे हम वल्नरेबल रीजन में भी हैफ हजार्ड कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, टूरिज्म बढ़ता जा रहा है। देखिए टूरिज्म में तो अभी आई थिंक मसूरी में ये कॉन्सेप्ट लागू किया जा रहा है, दे आर प्लानिंग ऑन दीज थिंग्स कि कितना टूरिज्म एक समय पे हो सकता है उतना ही अलाउ किया जाए, सम टिकट बेस्ड सिस्टम। ऑफकोर्स ये अब आप कहेंगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इट के नॉट अप्लाई लाइक दैट, बट ऑफकोर्स कहीं छोटी छोटी जगहों पे ये एग्जिस्ट करता है तो व्हाई नॉट हियर। ऑफकोर्स उसके लिए जो भी आप अडेप्टेशंस करें, पर ये टूरिज्म वाली जो चीज़ है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैफसार्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है वल्नरेबल रीजन्स में, जहाँ पे रिजॉर्ट्स भी नहीं बन सकते वहाँ रिजॉर्ट बन गए हैं आजकल। कमिशनिंग ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जी हाँ, वल्नरेबल रीजन्स में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वो रीजन तो वहाँ पे तो अर्थक्वेक आ सकते हैं बहुत बड़े बड़े, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स प्रोन है वो तो। अनसस्टेनेबल अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्लाइमेट चेंज तो है ही है, और क्लाइमेट चेंज वो वाला जो ह्यूमन कर रहा है, एंथ्रोपोजेनिक। फ्लड मिटिगेशन मेजर्स, जी हाँ बिल्कुल, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या मेजर्स लिए गए हैं ऑलरेडी इंडिया में। जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और ये अथॉरिटी गाइडलाइंस इशू करती है ऑलमोस्ट हर एक डिजास्टर पे। गर्मी भी आ जाती है ना, हीट वेव्स के ऊपर आपको, विंटर्स के ऊपर भी आपको गाइडलाइंस मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, तो जो गाइडलाइंस हैं, तो इन्होंने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स पे भी 2020 में गाइडलाइंस निकाली हुई है, अर्बन फ्लडिंग पे भी गाइडलाइन निकाली हुई है 2010 में, फ्लड मैनेजमेंट पे भी 2008 में। और फ्लड मैनेजमेंट वाली यहाँ लिखी है, आप खुद पढ़ सकते हैं, ये कुछ समझाने वाला नहीं है, इसमें कुछ एक्चुअली है ही नहीं है, यू कैन रीड ऑन योर ओन। स्ट्रक्चरल मेजर्स यानी कि स्ट्रक्चर्स बनाइए कुछ ऐसे, और ऑफकोर्स यहाँ पे लिए गए ऐसे स्टेप्स, रिजर्वॉयर्स का बनना, डैम्स का बनना, और वाटरशेड मैनेजमेंट हम अपनाते हैं, तो ये चीज़। फ्लड प्लेन जोनिंग, तो इसका क्या एम है बेसिकली, फ्लड प्लेन जोनिंग का मतलब क्या होता है, हम जोन्स में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बांट दें एक पर्टिकुलर जगह को। ठीक है, तो अगर हम पूरे इंडिया को बांटें कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रोन है, मतलब यहाँ पे इतने मैग्नीट्यूड का, इतनी फ्रीक्वेंसी से फ्लड्स हो सकती हैं, तो ये फ्लड प्लेन जोनिंग बहुत, आई थिंक किसी भी डिजास्टर की जोनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आइडेंटिफाई करो तब तो काम करेंगे। ओके, तो उसी से हमें पता चलेगा, अच्छा ये यहाँ पे बहुत भारी फ्लड्स आ सकती हैं, तो यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो सकती है, ये नहीं बन सकता यहाँ पे, ये बन सकता है, ये नहीं बन सकता। सो परमिसेबल डेवलपमेंट्स, यू विल जीरो डाउन ऑन परमिसेबल डेवलपमेंट्स ओनली व्हेन यू डू द जोनिंग थिंग, राइट। देन वी हैव अर्ली वार्निंग सिस्टम, सो NDMA ने प्लान किया है कि वो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को रियल टाइम अलर्ट्स के लिए ऑफकोर्स डिप्लॉय करेंगे एट मोस्ट ऑफ 56 एट रिस्क ग्लेशियर लेक्स इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होंगे 56 ग्लेशियर लेक्स इंडिया की वहाँ पे, तो ऑफकोर्स इट्स अ गुड थिंग। गाइडलाइंस फॉर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उसने इशू की है गाइडलाइंस स्लोप स्टेबिलिटी के ऊपर। ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। लेकिन और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट कीजिए, मॉनिटर कीजिए, डेटा कलेक्ट कीजिए, फॉरकास्ट कीजिए मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स को जो हो रहे हैं वल्नरेबल ग्लेशियर लेक, जैसे फॉर एग्जांपल 56 लेक्स जो हैं ग्लेशियर वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऊपर देखी वो वाली, ठीक है, उसके आपने आसपास क्या किया, उसमें आपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी डिप्लॉय कर दिए, फिर और क्या करें ना, उसके आसपास वाले रीजन में जो भी, या उस रीजन में भी जो भी तरह के वेदर फॉरकास्टिंग है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कीजिए, ताकि कोई भी जो रिस्क है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का वो हमें पता चल जाए। ओके, सो इस लेवल का डेटा कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग। क्लाइमेट मिटिगेशन, जी हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए,
चाहे वो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, लिडार टेक्नोलॉजी हो, कलेक्टिव रेजिलियंस, जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारी लोकलाइज नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी लोकलाइज प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर आप चले जाएंगे तो कि वो उनकी लोकल वार्निंग सिस्टम्स क्या हैं, वो कैसे रेजिलिएंट रखते हैं अपने पूरे लाइवलीहुड को, अपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को या उस जगह को फ्रॉम सच डिजास्टर्स, दे हैव बीन लिविंग देयर फॉर लाइक ईयर्स, राइट? सो बिल्ड कलेक्टिव रेजिलियंस, प्लीज़ आप उनको अपने साथ लेकर चलिए। जब उनको आप बताएंगे कि जी हाँ आपकी जगह है, आप बताएंगे यू नो व्हाट शुड वी बी डूइंग, तो वो एक्ट करेंगे आपके सोल्जर्स की तरह। द कम्युनिटी वुड एक्ट लाइक अ सोल्जर फॉर यू इन योर डिजास्टर प्लान। ओके, ग्रीन ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हाँ सब कुछ साथ लेके चलिए। कॉन्करेंटली वेटलैंड हो, वेजिटेशन फील्ड हो, सेडिमेंट ट्रैप्स, फ्लड वॉल्स, डाइवर्जन चैनल्स कैन इम्प्रूव द जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द माउंटेन रिवर्स। एपिक रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनफैक्ट यू नो अभी वर्ल्ड बैंक ने, ये बिल्कुल लिखिए आप, अगर कोई आंसर लिखते हैं ना, तो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक नया पर्सपेक्टिव यू नो रखा है टू बेटर मैनेज फ्लड एंड ड्राउट रिस्क। तो यह एपिक रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क एनेबल प्लान इन्वेस्ट एंड कंट्रोल। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए ये शॉर्ट न्यूज़ है, लेट्स जस्ट यू नो लुक इनटू दीज पर्टिकुलर न्यूज़ एज वेल। और यहाँ पे क्या लिखा है, कोरल रीफ ब्रेक थ्रू। तो देखिए जो कोरल रीफ ब्रेक थ्रू है, ये एक इनिशिएटिव है जिसने जो लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव द्वारा, किसकी पार्टनरशिप में, ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स और हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस की पार्टनरशिप में। इनका बहुत ध्यान से सुनिए, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ ब्रेक थ्रू, फॉर एग्जांपल आपके मेंस में भी अगर जैसे कुछ कोरल रीफ्स के ऊपर आ जाता है तो कोरल रीफ ब्रेक थ्रू बाय ICRI आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे ग्लोबल आप मेजर्स लिखेंगे, फिर इंडियन मेजर्स लिखेंगे या नेशनल मेजर्स, तो उसमें ग्लोबल मेजर्स में आप कोरल रीफ ब्रेक थ्रू बाय ICRI लिख सकते हैं। इसका एम क्या है कि हमें प्रिवेंट करना है एक्सटिंक्शन ऑफ एटलीस्ट 125,000 किलोमीटर्स ऑफ शैलो वाटर ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स। आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए अगर हमें इस टारगेट को सही में अचीव करना है? सो मिटिगेट लोकल ड्राइवर्स ऑफ लॉस। देखिए लॉस हो किसकी वजह से रहा है, फैक्टर्स क्या है, उसको आप पहले तो हटा दो। पोल्यूशन को हटा दो, लैंड बेस्ड पोल्यूशन को हटाओ, आप यू नो डिस्ट्रक्टिव कोस्टल डेवलपमेंट जो है उसको प्रिवेंट करो, उसको हटाओ, ओवर फिशिंग को रोको, ठीक है? तो जब आप ये कर लेंगे तो आप कोरल रीफ्स को भी एक्सटिंक्ट होने से कहीं ना कहीं बचा लेंगे। सो मिटिगेट द रीजंस फर्स्ट। ओके, बोल्स्टर रेजिलियंस बेस्ड कोरल रीफ कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय अलाइनिंग विद एंड सरपासिंग। तो देखिए एक आप जानते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, उसका टारगेट 3 क्या कहता है, जिसे हम 30x30 भी कहते हैं, कि हमें यह करना है एटलीस्ट 30% जो टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर एरियाज हैं, मरीन और कोस्टल एरियाज हैं, उनको कंजर्व करना है बाय 2030। तो हम अगर ये कर लेंगे तो इस मरीन कोस्टल एरिया इस सब में कोरल रीफ भी तो आते हैं। सो ऑफकोर्स यू नो यू टेक सच इनिशिएटिव जो इसके साथ भी अलाइन करते हैं। इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट डिजाइंस लेके आ सकते हैं जो कोरल को सपोर्ट करें। ओके, सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ एटलीस्ट $12 billion बाय 2030, ऐसा ICRI का भी कहना है, ठीक है? आप पब्लिक सोर्सेज, प्राइवेट सोर्सेज कैसे भी आप यू नो पूल इन कीजिए रिसोर्सेज को, बट यू ब्रिंग इन एटलीस्ट $12 billion बाय 2030 एंड वर्क ऑन कंजर्वेशन ऑफ कोरल रीफ्स। ऑलराइट, कोरल रीफ्स क्या है? कोरल रीफ्स कुछ नहीं है, ये बस कॉलोनीज होती हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी इंडिविजुअल कोरल्स की, कॉल्ड पॉलिप्स, ठीक है? ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। फॉर अभी देखिए यूपीएससी को बड़ा मजा आता है, एक एक ऑर्गेनिज्म उठा लेती है यूपीएससी, द बटरफ्लाई क्या करती है, ये क्या है, वो पैंगोलिन वगैरह, ऐसा कुछ भी यू नो यूपीएससी कैन डू। ओके, सो यू मस्ट प्रिपेयर पैंगोलिन्स वेरी नाइसली, बिकॉज पैंगोलिन्स पे एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन, ऑल्दो 2021 का अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो उसमें एक ऑप्शन था
पैंगोलिन का, वो और वो ऑप्शन सही भी था, मतलब तीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन वो सही था, आपको मिल जाएगा अगर आप देखेंगे तो। लेकिन एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन पैंगोलिन के ऊपर ना ड्यू है 2020 से, क्योंकि जब कोविड आया ना तो ऐसा सोचा गया था, ऐसे मतलब तब कुछ भी चल रहा था, यू नो फॉर 2 ईयर्स ऑलमोस्ट एनी एंड एवरी थ्योरी वॉज पॉपिंग अप ऑन द इंटरनेट। सो वन थ्योरी वॉज के पैंगोलिन रिजर्वॉयर्स की तरह एक्ट करते हैं, उनकी वजह से कोविड आया है, ये वो, ठीक है। तो तब से बहुत ना पैंगोलिन्स न्यूज़ में भी आने लगे हैं बहुत फॉर वेरियस रीजन। फिर उसके बाद अभी हम जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल है पैंगोलिन, तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट थी कि कैसे चाइना में उनको यू नो स्मगल किया जाता है इंडिया के कुछ स्मगलर्स द्वारा, बिकॉज दे वियतनामीज डेलिकेसी और चाइनीज डेलिकेसी है वो, और ये सब वगैरह, ठीक है। सो पैंगोलिन पे क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, तो आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। वैसे ही यू नेवर नो, कोरल्स के ऊपर इतने सारे इनिशिएटिव्स इस दुनिया में चल रहे हैं, मैनग्रोव्स के ऊपर इतने इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, सो यू गेट समथिंग ऑन कोरल, समथिंग ऑन मैनग्रोव्स। ओके, तो कोरल होते क्या है आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए, पॉलिप्स की कॉलोनीज होती हैं, और आपके मे बी प्रेलिम्स में लिखा हो कि ये वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, बिल्कुल भी नहीं है, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, ठीक है। मरीन, सी देयर आर 3 वर्ड्स राइट, मरीन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जिनके पास होते हैं एग्जोस्केलेटन्स, हार्ड एग्जोस्केलेटन, बॉडी के बाहर, एग्जो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर, ठीक है। हमारा स्केलेटन इज इंडो राइट, बट इनके केस में दे हैव एग्जोस्केलेटन विच आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इंडिया में कहाँ कहाँ पे कोरल रीफ्स, आई थिंक ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि इंडिया, या फिर यू गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कि कहाँ पे कोरल रीफ नहीं है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ पे है, बेसिकली गल्फ ऑफ कच्छ में है, गल्फ ऑफ मन्नार में है, अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप आइलैंड्स में है, और लक्षद्वीप आइलैंड्स में तो बहुत ही ज़्यादा कोरल्स हैं। फिर इसके बाद इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव भी देख लेते हैं, 1994 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था 8 कंट्रीज द्वारा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यू नो जापान, जमाइका, फिलीपींस, स्वीडन, यूके, यूएसए, अभी 101 मेंबर्स हैं, इंडिया भी एक मेंबर है, इंपॉर्टेंट, यूपीएससी लव्स टू नो इंडिया किसका मेंबर है किसका नहीं है। 45 कंट्रीज आर कस्टोडियंस ऑफ 75% ऑफ वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स, आप सोचिए कैसे कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं सस्टेनेबल फाइनेंस के ऊपर, एक रिपोर्ट आई है सस्टेनेबल फाइनेंस के ऊपर जिसे रिलीज किया है यूएनएस्केप ने, इसका टाइटल है सस्टेनेबल फाइनेंस ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड द पैसिफिक। आई होप आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस एस्केप क्या है, इट्स इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इसका आपको हेडक्वार्टर्स पता होना चाहिए, बैंकॉक, थाईलैंड। ओके, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि यूएनएस्केप का यू नो हेडक्वार्टर्स है बैंकॉक, थाईलैंड। ओके, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमेशा से एस्केप के नाम से ही नहीं जाना जाता, एक्चुअली से 1947 में एस्टैब्लिश किया गया था एज इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट, ओके, शंघाई में, देन इन 1974 इट बिकेम एस्केप। आप जानते हैं 5 रीजनल कमीशन्स ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस की एग्जिस्ट करती हैं, जैसे बाकी 4 कौन सी हैं, अफ्रीका, यूरोप, वेस्ट एशिया एंड लैटिन अमेरिका एंड द करीबियन, चारों कोई, अफ्रीका, यूरोप, वेस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका एंड द करीबियन, तो 5वीं ये है एस्केप। ओके, देन ओके, वी हैव 53 मेंबर्स, 9 एसोसिएट मेंबर्स, इंडिया इज डेफिनेटली अ मेंबर। सोल्यूशन हमें बेसिकली चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस के लिए, सो एवरीबडी वर्क्स यू नो इन कॉपरेशन हियर। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस एस्केप कौन कौन से रिपोर्ट्स रिलीज करता है, तो SDG प्रोग्रेस असेसमेंट रिपोर्ट, और साथ ही में एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं सस्टेनेबल फाइनेंस पे क्या लिखा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, मे बी आपके यू नो मेंस में मे बी क्या बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है, GS3 में भी इनफैक्ट यू नो ये बहुत बड़ी प्रॉबिबिलिटी है कि ऐसे फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आ जाए जिसका एक सब पार्ट है उस क्वेश्चन का, व्हाट इज सस्टेनेबल फाइनेंस। तो देखिए सस्टेनेबल फाइनेंस के भी 2 पहलू हैं, जैसे ऊपर मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस के बताए, एक होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट हो, फिर दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस, वैसे ही सस्टेनेबल फाइनेंस के भी 2 पार्ट है, ठीक है। एक तो आप सस्टेनेबल एक्टिविटीज को फाइनेंस करें, और आप वैसा फाइनेंस देखें जो सस्टेनेबली मैनेज है, मतलब मैं आपको बताती हूँ सस्टेनेबल फाइनेंस का मतलब है
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फॉर एग्जांपल इस जगह ले लेते हैं हम, ठीक है, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए, जो फाइनेंस है वो सस्टेनेबल फाइनेंस है। फिर उसके बाद वो फाइनेंस जिसे हम सस्टेनेबली मैनेज कर रहे हैं, यानी कि हमें पता है कि इसका जो सोर्स है वो ठीक है, रनिंग सोर्स है, है ना, डेफिसिट नहीं है, पूरा कर लेगा, लोन अगर हमने उठाया है तो हम चुका भी देंगे क्योंकि इतना तो हम मोनेटाइज कर लेंगे, तो ये भी सस्टेनेबल फाइनेंस में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की, कि देखिए अभी सफिशिएंट कैपिटल और लिक्विडिटी हमारे पास है, अवेलेबल है संसार में, कि हम इस ग्लोबल फाइनेंसिंग गैप को ब्रिज कर सकें, ओके। और एशिया पैसिफिक रीजन इज़ नॉट ऑन ट्रैक कि वो अपने SDG टारगेट को अचीव कर ले 2030 तक, कोई भी ट्रैक पे नहीं है। हम क्या, कोई भी हमारा रीजन क्या, कोई रीजन ट्रैक पे नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ केवल 17 कंट्रीज ऐसी हैं ऑफ द 51 एशिया पैसिफिक कंट्रीज पार्टी टू द UNFCCC जिन्होंने असेस किया हुआ है कि हमको ये हमारी फाइनेंशियल नीड्स है, और रिपोर्ट भी किया हुआ है कि ये हमारी फाइनेंशियल नीड्स है अपने NDCs को मीट करने के लिए, ओके। और ये सब देखिए, ये तो डेटा चेंज होता रहेगा, बट ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं UNSCAP के डेटा के हिसाब से क्लाइमेट चेंज अंडर अ हाई एमिशन सिनेरियो कुड इम्पोज 35% GDP लॉसेस इन इंडिया बाई 2100। 35 GDP लॉस, मतलब 35%, इट्स ह्यूज। तो रिकमेंडेशन क्या है, कमिट रहिए, आप कमिटेड रहिए नेट जीरो प्लेजेस के लिए, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब इसमें वो चेंज होता रहेगा। इस पर बड़े अच्छे पॉइंट्स आ सकते हैं, आई हैव जस्ट हाईलाइटेड, क्योंकि अगर आपको कुछ ही ना समझ आए तो ये पॉइंट लिख देना, मतलब इतने ही ब्रीफ लिख देना। क्लाइमेट इंपैक्ट लॉस एंड डैमेज इन सुंदरबंस, ओके। देखिए आप पहले तो सुंदरबंस के बारे में पता होना चाहिए, सुंदरबंस एक अपने में ही एक अनोखी जगह है बहुत, क्योंकि ये सब कुछ है, मतलब इन द सेंस ये यू नो वेरी वेल कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर इसके पास वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का रामसर कन्वेंशन के अंडर वो वाला टैग भी है, है ना। सो लॉट ऑफ फ्लोरा एंड फौना, नाइस फ्लोरा एंड फौना। इसका 40% आपके प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें इसको वाइस वर्सा किया जा सकता है कि 60% इंडिया में है, बांग्लादेश में 40%, विच इज़ नॉट ट्रू। इंडिया में 40% है ये सुंदरबंस, जो लो लाइंग आइलैंड्स है बे ऑफ बंगाल के, और बांग्लादेश में 60%, ठीक है। और ये गैंजेस, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर्स के डेल्टा पे लाए करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैनग्रूव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ओके। अभी क्या है, इंडिया और बांग्लादेश के कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज लॉस एंड डैमेज ट्रिगर कर रहा है सुंदरबंस में, तो इट शुड बी सीन एज अ ग्लोबल कॉमन, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, सुंदरबंस तो कॉन्ट्रीब्यूट करनी है ग्लोबल कार्बन एमिशंस में खास कुछ, है ना, लेकिन ये इम्पैक्ट डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है इसके ऊपर। सो वी मस्ट स्टार्ट कंसिडरिंग इट एज अ ग्लोबल कॉमन, बिकॉज ये दो देश मिलकर सिर्फ नहीं इस चीज़ को संभाल सकते, सबका इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी तो बहुत बड़ा है। लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट वाला रिजर्व है ये एक, ओके। तो ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं, ऐसे एरियाज और उनके ऐसे पोटेंशियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज उन एरियाज के जो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड लाए करते हैं, जैसे हाई सीज, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कौन से देश का है, US का है क्या, ये भी नहीं है ना, अंटार्कटिका, आउटर स्पेस, है ना। तो इस पर सबका एक्सेस है, कोई इस पर एक्सेस नहीं रोक सकता कि ये वाला, ये हवा हमारी है यहाँ की, ये हाई सीज हमारे हैं। हाई सीज आर वो जो हमारे टेरिटोरियल और इकोनॉमिक जोन्स वगैरह से भी बाहर वाले, मतलब जो मेजर 80% से भी ज़्यादा वाले जो सीज हैं वो ये हैं, ये पानी है बेसिकली, जिस पे किसी का हक नहीं है और सबका हक भी है, ओके। तो बड़े सारे कन्वेंशन ऐसे हैं जो ग्लोबल कॉमन्स को गवर्न करते हैं, जैसे अनक्लॉज 1982, अंटार्कटिक ट्रीटी, आउटर स्पेस वाली ट्रीटी है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे, ठीक है। सो यू कैन जस्ट रीड इट। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आपके प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से 15-minute सिटीज वाला, इनफैक्ट आपके मेंस के परस्पेक्टिव में ये एक आपका वे फॉरवर्ड भी हो सकता है, ओके। 15-minute सिटीज का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, प्रेलिम्स में ना बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो इकोलॉजी के न्यूज में चल रहे हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, तो उसमें से एक है 15-minute सिटीज।
अब इसको थोड़ा सा ऑप्शंस बहुत क्लोज हो तो शायद आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, पर 15 मिनट सिटीज का मतलब है कि आपके आपके वॉकिंग डिस्टेंस में ही सब कुछ हो, एसेंशियल सर्विसेज, ताकि आपको ड्राइव कर करके ये ट्रांसपोर्टेशन वाला जो, जस्ट 1 मिनट, तो आपको ये ड्राइव करके और बाकी जो पोल्यूशन कॉज किया जा रहा है उसको ऑफ कोर्स कम किया जा सके. सो इट्स नथिंग बट एन अर्बन प्लानिंग कॉन्सेप्ट दैट एडवोकेट्स पुटिंग एसेंशियल सर्विसेज विद इन वॉकिंग और बाइकिंग डिस्टेंस ऑफ रेजिडेंस टू रिड्यूस पोल्यूशन. इट्स अ स्पेशल डेवलपमेंट मॉडल विच हेल्प्स टू फॉस्टर अ मोर हेल्दी इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग. उसके बाद आता है कामलांग टाइगर रिजर्व. ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में है और आप जानते हैं इसका नाम इसलिए है क्योंकि कामलांग रिवर जो है वो इसके थ्रू फ्लो करती है. सब ट्रॉपिकल इसका क्लाइमेट है. यहाँ पे कुछ अमारी गमारी ये फेमस फ्लोरा है और ग्लो लेक जो है इट फॉल्स विद इन दिस पर्टिकुलर रिजर्व. ओके, तो जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही, जैसे मैं आपको पैंगोलिन के बारे में बता रही थी. सो ये जो मैनस मिस्टीरिया एक नई डिस्कवर्ड स्पीशीज है पैंगोलिन की. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. हो सकता है कि मैनस मिस्टीरिया ही डायरेक्टली आ जाए, वेरी रेयर ऑल्दो ऐसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन. मेरे हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो पैंगोलिन ही है. ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट. दीज आर दी ओनली मैमल्स होली कवर्ड इन स्केल्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पूरी बॉडी इनकी स्केल से कवर्ड है एंड दे आर दी ओनली सच मैमल्स. अगर हम अफ्रीका की बात करें तो 4 स्पीशीज मिलेंगी आपको अफ्रीका में, पैंगोलिन की. ब्लैक बेलीड पैंगोलिन, वाइट बेलीड पैंगोलिन, जाइंट ग्राउंड पैंगोलिन. ओके, देन वी हैव अनदर ग्राउंड पैंगोलिन. देन देर आर 4 स्पीशीज फाउंड इन एशिया, इंडियन पैंगोलिन, फिलिपीन पैंगोलिन, संडा पैंगोलिन एंड देन वी हैव चाइनीज पैंगोलिन. इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये पता होना चाहिए कि प्रेलिम्स में ऐसी स्टेटमेंट लिखी है कि ऑल स्पीशीज ऑफ पैंगोलिन आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड. रॉन्ग स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि जो चाइनीज, फिलिपीन और संडा पैंगोलिन है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लेकिन जो इंडियन पैंगोलिन है वो एंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के स्केड्यूल 1 में आता है. ओके, देन अगेन अगर मैं आपको बताऊं तो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है फिश मीट. इंपॉर्टेंट हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मशरूम वाला जो क्वेश्चन आ गया, गूची मशरूम, तो वैसे ही फिश मीट भी अभी बहुत रिसेंटली न्यूज में था. ये कुछ नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं. ओके, तो ये एक्चुअली हर्बल प्लांट है जिसकी बड़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे डाइजेस्टिव इशूज के लिए, इंसेक्ट बाइट हो जाता है, फीवर, कफ, है ना, बहुत सारे ऐसे इशूज के लिए. इनफैक्ट इनका आयुर्वेदा और सिद्धा में भी काफ़ी आपको मेंशन मिल जाएगा, वेल डॉक्यूमेंटेड, कि इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हिमालयन फुटल्स में, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, कोरिया, जापान. ओके, अगर हम बात करें तो यहाँ मेघालय में इसको बोला जाता है जामार्डो, टॉकनिंग खॉक, इन मणिपुर, असम में एज मासुंदरी. ठीक है, तो ये बेसिकली इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है. फीचर्स आप देख सकते हैं, फीचर्स इसको फिशमेंट ही इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो टेस्ट है और स्मेल है वो फिश की जैसा है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक इन्वेसिव प्लांट भी है क्योंकि ये बार बार रीग्रो कर जाता है अंडरग्राउंड राइजोम्स से भी. ओके, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो. देन वी हैव अनदर कोनोकार्पस ट्रीज. कोनोकार्पस ट्रीज आर ऑल्सो इन्वेजिव मैनग्रूव स्पीशीज. मैं बता रही हूँ मैनग्रूव पैंगोलिन, कुछ कुछ बहुत ही कोरल्स, ये बहुत रेकरेंटली आपको मिलती हैं चीज़ें देखने के लिए. तो अगर इसका कोई नई स्पीशीज मिल जाए ना या कुछ ऐसा हो जाए तो देन यू मस्ट रियली कीप एन आई ऑन इट. ओके, तो ये एक इन्वेजिव मैनग्रूव स्पीशीज है. ओके, कोनोकार्पस ट्रीज. इसको रिसेंटली गुजरात ने अभी बैन ही कर दिया, गुजरात ने, तेलंगाना ने भी बैन किया हुआ है. तो फिर तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इसे थोड़ा सा ध्यान दें. ठीक है, तो ये बेसिकली एक ऐसा कोनोकार्पस एक जीनस है जिसमें 2 स्पीशीज है और वो दोनों स्पीशीज में फ्लावर्स उगते हैं. ठीक है, एंड दे आर नेटिव टू ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ऑलराइट, सो इनको ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए, क्योंकि सुंदर फ्लावर्स है ना, तो फ्लावर्स तो सुंदर दिखाई देते हैं एक जगह को, तो दे आर ग्रोन फॉर सच purposes in the public spaces. And अगर इनकी हम flowering process की बात करें तो वो winters में हमें देखने के लिए मिलता है. और लेकिन इसको ban क्यों किया जाता है,
क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो आसपास हो उनके लिए हार्मफुल है, क्योंकि उनको अस्थमा, एलर्जी, कोल्ड, कफिंग ऐसा हो जाता है इनके पार्टिकल्स स्प्रेड करने की वजह से। ओके, एंड देन द रूट्स, जो इनकी रूट्स हैं स्पीशीज की, वो इतना दे गो सो डीप इनसाइड द सॉइल एंड देन दे डेवलप एक्सटेंसिवली, लिटरली भी डेवलप करने लग पड़ती हैं, इसलिए डैमेज कर देती हैं सारी की सारी टेलीकम्युनिकेशन लाइंस को भी। ओके, सो ड्रेनेज लाइंस को भी, बाकी जो और चीजें हैं उसको भी। ओके, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। देन आई थिंक देर इज वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, विच इज फॉस्फोरस। आई सो बिलीव ये चीज आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती है, इंडिया रनिंग आउट ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज वन ऑफ द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, में भी लिखा हो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है ना, मतलब ये तो सही है बट माइक्रो वाली फॉल्स है। सो फॉस्फोरस इज वन ऑफ द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट ग्रोथ के लिए इसेंशियल है। क्यों? आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए जरूरी है विद इन द प्लांट, न्यूट्रिएंट मूवमेंट के लिए जरूरी है विद इन द प्लांट, स्ट्रॉन्ग रूट डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इनफैक्ट जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ट्रांसफर करने हैं तब भी फॉस्फोरस की जरूरत है। सो मे बी यू यू गेट अ क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स लाइक व्हाट आर द यूजेस ऑफ फॉस्फोरस, वाई इज इट असेंशियल इन प्लांट ग्रोथ, और उसमें ये चार पॉइंट लिखे हैं और ना चारों ही सही हैं। ठीक है, इंडिया इज वन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फॉस्फोरस, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया संसार का लार्जेस्ट इंपोर्टर है फॉस्फोरस का, मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम द कैडमियम लैडन डिपॉजिट्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका। आपको ये पता होगा कि फॉस्फोरस यूजुअली हमें कैडमियम के साथ ही मिलता है, और कैडमियम क्या है, एक हैवी मेटल है ना, और इसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। सो इसीलिए इट्स लिटिल बिट अ थिंग। फॉस्फेट रॉक्स जो है दे आर मेजरली प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम टू स्टेट्स इन इंडिया, राजस्थान एंड एमपी। कुछ डिपॉजिट्स थोड़े बहुत आपको सेंट्रल रीजन में, ललितपुर ऑफ उत्तर प्रदेश, मसूरी है, ये सब भी मिल जाएंगे। कंसर्न्स क्या है फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी के साथ, एट मोस्ट प्लेसेस फॉस्फोरस को एग्जिस्ट विद कैडमियम, जैसे मैंने बताया आपको, कुछ ही कंट्रीज है। सबसे बड़ा कंसर्न ये है, अच्छा सबसे एक कंसर्न हमने देख लिया कि कैडमियम के साथ मिलता है तो रिमूवल का प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव है। एक बड़ा कंसर्न है जियोपॉलिटिकल, कि ये कुछ ही कंट्रीज के पास है, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, चाइना, अल्जीरिया, सो देन वो कभी भी इसको वेपनाइज कर सकते हैं, इसका एक्सपोर्ट रोक के। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, इट्स लॉस्ट डायरेक्टली टू द वाटर बॉडीज एज एग्रीकल्चरल रन ऑफ एंड थ्रू सीवेज, एंड देन इससे क्या होता है, एल्गल ब्लूम्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद कैडमियम लेडन फर्टिलाइजर्स आर ऑफन अप्लाइड टू द सॉइल, अब्जॉर्ब बाय क्रॉप्स एंड कंज्यूम, देन यू ऑल्सो कंज्यूम इट, फिर आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, बायो अक्यूमुलेट हो जाता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट, और फिर इससे एक्सेलरेट हो जाती है हार्ट डिजीज। तो आप इसको क्या करें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अगर हमें फॉस्फोरस की पॉसिटी यानी कि इसका इसकी जो इतनी कमी है, इसको अगर हमें इसको रिड्यूस करके कमी हमें महसूस ना हो, इसको हमें कुछ मिटिगेट करना हो, तो क्या करें, आप केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को ही कम कर दो ना, प्रिसिशन एग्रीकल्चर क्यों नहीं आप अपनाते। ओके, फिर आप क्या करें, आप अडॉप्ट कीजिए लो इनपुट एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस को, जिसमें इनपुट्स की ही बहुत, आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट को भी देख सकते हैं। देन माइनिंग अर्बन सीवेज टू प्रोड्यूस फॉस्फोरस, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आई होप आप जानते होंगे कि सीवेज में से भी यू कैन एक्सट्रैक्ट फॉस्फोरस। देखिए आपको ये बात पता होगी कि जो फॉस्फोरस हम कंज्यूम करते हैं वो ऑफकोर्स ह्यूमंस एक्सक्रीट फॉस्फोरस, 2/3 ऑफ द फॉस्फोरस अ ह्यूमन बॉडी कंज्यूम्स इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन एंड फीसेस। ओके, तो कहीं लोगों का, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ये सजेशन है कि हमें फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस चाहिए ही है, तो हम सोर्स सेपरेटिंग टॉयलेट्स डेवलप कर सकते हैं, इट कैन बी अ वायबल सोल्यूशन। अगर हमें फर्टिलाइज जैसे आप जानते हैं नाइट्रोजन और पोटेशियम और फॉस्फोरस सब कुछ हमें फर्टिलाइजर्स के लिए भी चाहिए, सो वाई नॉट डेवलप सोर्स सेपरेटिंग टॉयलेट्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एज सोल्यूशंस। ऑलराइट, सो आई विल एंड द वीडियो हियर, क्योंकि ये बाकी जो चीज़ें हैं, ऑल्दो देखिए
यहाँ पे सब कुछ तो वैसे भी इम्पोर्टेंट ही होता, जैसे यहाँ पे चलिए एक और चीज़ आई थिंक आई मस्ट टेल, वो मिथेन की है। ऑल्दो ये भी आप अपने स्टार्टिंग में पढ़ते हैं सो नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो शॉर्ट न्यूज़ है ना ये रिपोर्ट बेस्ड होती है, और ऐसी जब तक आप पेपर देंगे पता नहीं कितनी रिपोर्ट आ जाएंगी, तो क्या क्या पढ़ते रहेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कटिंग मिथेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, एक रिपोर्ट आई है इम्पेरेटिव ऑफ कटिंग मिथेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, किसने निकाली है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, विद कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम UNEP एंड UNEP कन्वीन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन एज वेल। ये शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो UNEP कन्वीन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन है, सी कैक को 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था, एंड इट इज़ दी ओनली इंटरनेशनल बॉडी संसार की जो काम कर रही है कि शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस किया जाए। शॉर्ट लिव्ड यानी कि जो एटमॉस्फेयर में बहुत कम समय के लिए रहते हैं, दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग, जैसे मिथेन है, ब्लैक कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं। आपके प्रेलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रेलिम्स में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यू नो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स, ठीक है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स, और उसमें फॉर एग्जाम्पल एक है CH4 विच इज मिथेन। ओके तो ये तो है शॉर्ट लिव्ड, तो आपको आपने तो न्यूज ही पढ़ ली है तो आपको पता है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन है ब्लैक कार्बन, तो ये भी है, ये भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद एक है HFCs, ये भी शॉर्ट लिव्ड है। फिर उसके बाद आपसे एक आ गया CO2, ये नहीं है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ऑलराइट, की फाइंडिंग्स क्या है, टारगेटेड मिथेन मिटिगेशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, अगर आप मिथेन मिटिगेशन फॉसिल फ्यूल से कर लेते हैं टारगेटेड मैनर में, है ना, तो आप अवॉइड कर सकते हैं 0.1 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग बाय 2050। अगर आप ऐसा टारगेटेड एक्शन नहीं लेते हैं तो ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो है वो एक्सीड कर जाएगा 1.6 डिग्री सेल्सियस को बाय 2050। ओके, तो और मिथेन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये ग्रीन हाउस गैस है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इंपॉर्टेंट। ओके, 580 मिलियन टन्स ऑफ मिथेन इज एमिटेड एवरी ईयर, नाउ दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है टू क्लाइमेट चेंज, में भी ऐसा लिखा हुआ है इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो आई विल एंड द वीडियो हियर, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।